हेलो एवरीवन, मैं पलक गर्ग आपका इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे वोकैब के सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 105 सेशंस कवर किए हैं, ए टू जेड वर्ड कवर करे हैं। डिटेल में हमने एक एक वर्ड समझा है और चार ऑप्शंस की हेल्प से हमने एलिमिनेट करने सीखा है और उसको कवर किया है। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेशंस, जिसमें हम क्या कराएंगे, आपको ऑल PYQs कवर्ड टिल फैब 2024 यानी 24 तक के फरवरी के सारे PYQs कवर करेंगे। हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। डेली एक मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट मान के चलिएगा इसको इंग्लिश का, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर के। और ये सारे SSC एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो हम आपसे वादा करते हैं, इसमें क्या होगा, CGL में आपके प्री में 50 में से 50 आएंगे और मेंस में हम आपके 135 आउट ऑफ 135 आने वाले हैं। अगर आप हमारे ये सेशंस देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला सेशन, प्रैक्टिस सेशन 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सारे प्रीवियस ईयर हैं और ये हमने यहाँ पे डेट भी मेंशन करी है, शिफ्ट भी मेंशन करी है, ठीक है। पहला देखते हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एरर कहाँ हो सकता था, एरर स्पॉटिंग, स्पॉट द एरर। तो देखिए, दो जगह हो सकता था एरर, या तो प्रोनाउन के अरेंजमेंट में यू एंड ही, तो ये 2 और 3 का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। देन उसके बाद यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, इसमें हो सकता था, सॉरी एडवर्ब है, उसमें हो सकता था, एडवर्ब में रेगुलरली बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें एरर के चांसेस कम लग रहे हैं। तो इस सेंटेंस में सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन, तो ये सही है बिल्कुल। रीडिंग एक हैबिट होती है, रीडिंग की हैबिट से भी आप बता सकते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। जो बच्चे रोज़ रीड करते होंगे तो एकदम बता देंगे। तो फर्स्ट में क्या है, नो एरर। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। While astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience. तो आपने लास्ट में देखा, हमने क्या पढ़ा, While astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience. तो pseudoscience एक noun है, noun अपने से पहले क्या लेता है, एक article लेता है। तो यहाँ पर हमारा error देखने को मिलेगा आपको इस part में, यानी यहाँ fourth में, considered a pseudoscience. ठीक है, हमारा मेन क्या है कि हम एक बार रीड करें और देखें हमारा एरर कहाँ पर हो सकता है। तो सिडोसाइंस से पहले हमको एरर दिख रहा है कि कंसीडर्ड सिडोसाइंस नहीं, कंसीडर अ सिडोसाइंस होना चाहिए था, तो ये हमने स्पॉट कर लिया एरर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। इसमें हमारी फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेंगी आपको। पहला सेंटेंस, आई डिसाइडेड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक स्टोर्स इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड। अच्छा, यानी कि मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे एक बुक चाहिए और आसपास के सारे स्टोर से मैं पूछने जा रही हूँ कि वो बुक आपके पास है अवेलेबल या नहीं है। तो कॉल आउट यहाँ गलत है। कॉल आउट का यूज़ कहाँ होता है, किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करने के लिए कि आओ मेरी मदद करो, ठीक है। देन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत फ्रेजल वर्ब्स पता होनी चाहिए। जैसे कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन पे विजिट करना, मिलने जाना, ठीक है। देन उसके बाद नो सब्स्टिट्यूशन तो ये है ही। देन है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब है हमारा टू पुट टू कैंसिल, कोई चीज़ स्थगित करना। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में जा रहे थे, मीटिंग के लिए मैसेज आया कि आज तो मीटिंग कैंसिल हो गई, बॉस का मैसेज आया मीटिंग कॉल्ड ऑफ हो गई है, मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो खत्म। या फिर छुट्टी हो गई कोचिंग की, ट्यूशन की, तो कॉल ऑफ लग जाएगा। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है, कॉल अराउंड अब सुन के बताएं, कॉल अराउंड यानी मैं आसपास कॉल कर रही हूँ। अब कॉल किसके लिए करूँगी, मैं पूछने के लिए करूँगी। तो मेरे को जैसे बुक चाहिए, तो कुछ स्टोर से मेरी जान पहचान है, तो मैं कॉल करके पूछ रही हूँ कि द बुक जो मुझे चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो कॉल अराउंड का मतलब हो जाएगा मेरा टू फोन डिफरेंट पीपल्स टू पीपल टू आस्क द इन्फो, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो पूछने के लिए आप लोगों पर कॉल, मतलब फोन घुमा रहे हो। तो इसका कॉल आउट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या लग जाएगा, कॉल अराउंड लग जाएगा। सो फ्रेजल वर्ब्स आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी है तो अब हम आपको कराने वाले हैं। जितने भी PYQs में आए होंगे आपके फ्रेजल वर्ब, हम वो कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फोर्थ, ये क्या है, हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। सो इसको भी पढ़ते हैं, दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। सो और एज देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पर। सो और एज आपने पढ़ा होगा, सो और एज हमारा यूज़ होता है नेगेटिव्स में,
आपने रूल पढ़ा होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे ये होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है हेरिटेज बिल्डिंग का रेड फोर्ट से, तो इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लेस हो गया, यहाँ पे लेसर ही नहीं है, तो इन दोनों में देखते हैं वेरी मच नहीं आएगा। लास्ट सेंटेंस, दिस लेसर नोन हेरिटेज इज एज मच एज मच ब्यूटिफुल एज द रेड फोर्ट। तो एज और एज का सही होता है ये पॉजिटिव बताने के लिए ही होता है। यहाँ पर कहीं पर एज और एज नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर लेसर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो मच ब्यूटिफुल देना है। तो चारों में से हमने कौन सा ऑप्ट किया है, फोर्थ ऑप्शन ऑप्ट किया है। क्यों किया है, यहाँ एज और एज है, लेसर भी लगा हुआ है, यहाँ पर वेरी मच ब्यूटिफुल लगाया गया है, एक्स्ट्रा बता रखा है, तो कोई वो नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नरेशन। सो नरेशन इंपॉर्टेंट होती है, नरेशन पूछी जाती है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ये कहाँ दिखाया गया है, SSC CGL टायर 2 में आया गया है, डेट भी मेंशन कर रखी है। सो दिस कैप्टन नहीं आएगा, द कैप्टन आएगा, यहाँ पर एरर हो गया, द कैप्टन को सही कर लीजिएगा, नहीं कर देते हैं, दिस कैप्टन की जगह द कैप्टन, ठीक है। सो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी। तो एक बात बताइए, सोल्जर्स और कैप्टन के बीच का रिलेशन कैसा होता है। जो कैप्टन होता है अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को क्या देगा, कमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम एलिमिनेट करते हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, ये कैंसिल हो गया। चार्ज ही सोल्जर नहीं, कमांडेड दिख रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन है, कमांड देता है, एक कैप्टन अपने सोल्जर्स को कमांड देता है। तो ये देखिए यहाँ पे, द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फॉलो द एनिमी। सो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये हटाकर टू लग जाएगा। आपने रूल्स पढ़े होंगे नरेशन के, सो ये फर्स्ट वाला सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ये है एक्टिव पैसिव, CHSL टायर 2 में आया है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। से बहुत ईजी है, बेसिक है, क्या है ये एक्टिव फॉर्म में है, हमें पैसिव में बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एन एप्पल इज ईटिंग, ईटिंग के लिए जब बताया था कि कॉन्टिन्यूस है तो बींग लग जाएगा, बींग ढूंढनी यहाँ पर कहाँ है, तो बींग सिर्फ इसमें है, तो इससे ये एकदम एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी सारे ऑप्शन। तो एन एप्पल इज बींग ईटन बाय हिम, ये हो गया हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं हमारा पैराजम्बल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, होता भी नहीं है, टाइम देने के बाद भी नहीं होता है। तो इसको कैसे करना है, इसकी अप्रोच क्या रहने वाली है। सो इसमें क्या है, गिवन बिलो आर सिक्स सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ, सेंटेंस ए इज द बिगनिंग, वेयर इज द सेंटेंस एफ इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा, द मिडल फोर सेंटेंसेज आर जम्बल्ड अप, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर फॉर्मिंग अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ओके, तो क्या समझ में आता है कि ये वाला और ये वाला फिक्स रहने वाला है, बाकी के एक दो तीन चार यानी BCDE क्या है, जम्बल्ड हो रखे हैं, इनको अरेंज करना है। सो पहला पढ़ लेते हैं, ये फिक्स रहने वाला है, द मंथ वॉज जनवरी, तो महीने की बात चल रही है, एक जनवरी मंथ की बात चल रही है, जनवरी का महीना है, ठीक है। अब हम पहले ऑप्शंस देख देंगे, आप अप्रोच देखिए, पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में पहली स्टार्टिंग कहाँ से हो रखी है, ECE, यानी या तो सी से स्टार्टिंग होगी या ई से स्टार्टिंग होगी। तो पहले अब हम दोनों में से ही क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट। तो देखिए सी पे पढ़ते हैं, चलो पहले, देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो एक फेस्टिवल की बात हो रही है, फेस्टिवल से पहले द लग गया, यानी कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल की बात चल रही है। तो अब देखते हैं हम ई ऑप्शन, द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, यानी फेस्टिवल आने वाला है, बिहू फेस्टिवल जनवरी में आता है जो, तो यानी बिहू फेस्टिवल की बात चल रही है, तो यानी इससे तो पता चल चुका है कि जिस फेस्टिवल की बात चल रही है उसके बारे में ई में बताया है, यानी ई पहले आने वाला है हमारा। तो हमारे जो सी वाले हैं वो तो एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं हम EDBC होगा या ECDB होगा। तो देखते हैं पहले डी और सी, सी हमने रीड कर चुका है, डी कर लेते हैं रीड, ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ पाइल ऑफ फायर वुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। तो ये मतलब वो बता रहे हैं, जैसे होली होती है, दिवाली होती है, उसमें हम क्या क्या करते हैं, तो ये जो बिहू में है क्या क्या परफॉर्म की जाती है चीज़ें, वो बताई जा रही है कि बैकयार्ड में ऐसे ऐसे होता है।
तो ये बताई जा रही है बातें, लेकिन इससे मुझे कोई रिलेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले बिहू फेस्टिवल के बारे में बताया है, बिहू फेस्टिवल के बाद हमें सी पे जाना है, देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरी मेरिट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम पे क्या होता है, तो ये इस हिसाब से ई सी डी बी जाना चाहिए, ना कि ई डी बी सी। तो डी में क्या है, उसकी बताई हुई है कि कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो चीज़ बाद में आती है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट एट्थ, सो ऊपर का बिल्कुल सेम है, मैं डायरेक्ट उस पर करवाती हूँ। ए और मेरा एफ क्या है, सेम रहने वाला है, इसको नहीं छेड़ना है, बी सी डी ई है, हमें उसको देखना है। तो पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, सी सी ई बी, ठीक है। तो पहले सी देख लेते हैं, पहले ए तो पढ़ ही लें। When I studied engineering 35 years back, I was the only girl in the course. यानी जब मैं अपने टाइम पे 35 साल पहले इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, तो मैं एक अकेली लौती लड़की थी, ठीक है, अकेली लड़की थी कोर्स करने वाली, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे सी ई बी, सी पढ़ते हैं। आई कुड ओनली सी बॉयज़ एंड मोर बॉयज़ एवरीवेयर, मतलब मुझे सारी जगह बॉयज़ ही बॉयज़ दिखते थे, मतलब क्योंकि मैं अकेली लड़की थी तो बॉयज़ ही बॉयज़ देख सकती थी मैं, ठीक है। अब सी देख लिया हमने, सी रिलेट कर रहा है, ठीक है। ई देखते हैं, हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजल फॉर द बॉयज़ एंड इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग, यानी ऑब्वियसली बात है, एक अकेली लड़की होगी तो टीजिंग का सामना करना पड़ेगा, तो ये नहीं रिलेट कर रहा है, सी सही लग रहा है अभी तक। पी देखते हैं, पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज्ड, तो पहले मैनेज की बात नहीं आएगी, पहले आएगी कि मैं अकेली लड़की थी, अकेली लड़की में मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा या मुझे क्या क्या देखना पड़ता था वहाँ। तो यहाँ पर सी के साथ हम जाएंगे, आई कुड ओनली सी बॉयज़ एंड बॉयज मोर बॉयज़ एवरीवेयर, तो सी में भी बी है, बी मतलब इसके बाद बी आने वाला है सी के बाद, यानी बी सी को फॉलो करेगा। पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज, यानी कि पहले क्या था, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी जब 35 साल पहले, तो मैं अकेली लड़की थी, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लड़के ही देखने को मिलते थे, फिर उसके बाद लोग मुझसे पूछते थे कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ लड़कों के बीच में। तो अब आएगा ई या डी में से, तो क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा बट वेन आई लुकड बैक आई फील इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजल फॉर द बॉयज एंड इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग। तो हमारा जो सी के बाद बी हो गया कंफर्म, देन उसके बाद देखेंगे पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज, मतलब मैंने कैसे मैनेज किया, बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा अभी अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो। हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजल फॉर द बॉयज इनिशियली आई वॉज टारगेट फॉर लॉट ऑफ टीजिंग। लास्ट सेंटेंस पढ़ना ना भूले क्योंकि वो रिलेट करेगा कि ई है या डी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। तो यानी कौन अच्छे दोस्त बन गए थे, जो मुझे टीज करते थे, यानी ई पहले आएगा, यानी ई एफ से पहले आएगा, और इन दोनों में ई पहले कहाँ है, यहाँ है, तो इसका ए ऑप्शन सही लग जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगा होगा मेरे बताने में, लेकिन ये ऐसे ही होगा, आप इसको समझिएगा, थोड़ा स्टार्टिंग है, तो प्लीज़ रिलेट करके और हमारे से कनेक्ट होकर चलने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी डैश चॉकलेट चिप्स, तो यानी कि यहाँ पर क्या बता रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया नाइदर। चार हमारे पास ऑप्शन है, फिलअप है ये हमारा क्वेश्चन का टाइप, तो कंटेन आर कंटेन इज कंटेन या कंटेन्स आएगा, तो नाइदर क्या है, नाइदर ईच एवरीवन के साथ हमारा क्या लगता था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कंटेन्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, कंटेन्स। नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी कंटेन्स चॉकलेट चिप्स, और अगर आपको लगता है कि बिस्किट हमारा सब्जेक्ट है तो ये नहीं है, ये ऑफ के बाद का हमारा प्लूरल हमारा नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है हमारा, ऑफ से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, नाइदर हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, तो ये क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट, इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये कंटेन्स आ गया। नेक्स्ट स्टैनली, फिर फिलअप ही है हमारा, स्टैनली डैश टू प्ले द वॉयलिन नाउ, नाउ से पता चल गया, हमने टेंस की वीडियो में भी आपको बताया था कि नाउ क्या होता है, एक हमारा टाइम बताता है कि वो काम कब चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट का बताने का काम किसका जिम्मा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो बस जहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखे वो लगा दीजिएगा, तो इज लर्निंग आ रहा है, स्टैनली इज लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन नाउ विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर, तो ठीक है, इंस्ट्रक्टर एमेच्योर का मीनिंग आप हमें कमेंट कर बताएंगे, हमने इसका मीनिंग आपको पढ़ा रखा है, सो जिसने हमारी वीडियोस वो कैप सेशंस देखे हैं वो इसका मीनिंग एकदम बता देगा, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएगा इसका
मीनिंग। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 11th, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। माइथोमानिया, माइथोमानिया क्या होता है? हमारा टेंडेंसी टू टेल लाइज, झूठ बोलने की क्षमता, यानी कि जो इंसान झूठ बोलता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलता है बातों को। नेक्स्ट है हमारा इनसोमनिया, इनसोमनिया होता है हमारी इनएबिलिटी टू स्लीप, ये है इसका परफेक्ट मीनिंग। बाकी क्या है हमारा पायरोमानिया, पायरोमानिया होता है हमारा ऑब्सेशन टू सेट फायर्स टू थिंग्स, यानी कि आग लगाना, बढ़ा चढ़ाकर किसी की बातों में आग लगाना, ठीक है। और इसका मीनिंग देख लेना आप। सो द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप इज इनसोमनिया, सो ये इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया हमारा OWS फेवरेट, ये आता ही आता है और ये हमने आपको कराया हुआ भी है। सो रीड करते हैं, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, यानी ऐसी कौन सी मतलब ऐसी कौन सी इनएबिलिटी है जिससे हम एडिक्वेट पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या है? माइथोमानिया, एंड्रोमानिया या पायरोमानिया। सो मानिया क्या होते हैं ये आपको पता है, इनसोमानिया, तो ये बताना है आपको, तो इसका करेक्ट मीनिंग लग जाएगा इनसोमानिया, ठीक है, ये है इसका परफेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 12th की ओर, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, यानी ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमें नींद लाती है, तो ये भी OWS है। एनर्जेटिक मतलब ही नहीं बैठता, रिवाइवर मतलब ही नहीं है, सेडेटिव, सेडेटिव पढ़ा था हमने, और ये स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें क्या करती है, उकसाती है किसी चीज़ के लिए, स्टिमुलेंट वो चीज़ होती है। तो ये क्या है, सेडेटिव होता है, सेडेटिव क्या होता है, ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, तो ऐसे आप एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट 13th, ये आ गया हमारा इडियम्स, सो इडियम्स रीड करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम द बेस्ट एक्सप्लेन द गिवन सेंटेंस, आई वॉज अनेबल टू सॉल्व द ज्योमेट्री क्वेश्चन माई सेल्फ, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। अच्छा, मुझसे कोई ज्योमेट्री की क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने अपने टीचर से पूछा है, तो अब देखते हैं, यानी कि मेरे से नहीं हो रहा, मैंने अपने टीचर से बोला, यानी एक से भले दो, ठीक है। तो यू कांट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट, कोई मतलब नहीं है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी कि एक से भले दो, यानी दो हेड्स आर बेटर देन वन, यानी दो ज़्यादा, दो दिमाग ज़्यादा अच्छे हैं एक दिमाग से, तो ये इसका आंसर लग जाएगा। नीचे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिलेट कर रहा है। एक idiom हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, एक idiom और है। तो select the sentence that gives the appropriate meaning of the idiom in hot water. So in hot water का meaning बताना है, idiom है। तो in hot water यानी गर्म पानी में, गर्म पानी में एक बार बताइए, आपका हाथ भी डल जाए, पैर भी डल जाए, तो क्या होगा, एकदम से आपको चीज लगेगी, यानी कि trouble हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो अब देखते हैं, the chef added spices to the dish to enhance its flavor and make it more delicious, कोई मतलब नहीं है। The children enjoyed playing in the pool on a hot summer day, normal बात बताइए, इसमें hot से relate करने की बच्चे कोशिश करते हैं, but नहीं है। Next, after accidentally breaking the valuable vase, सारा फाउंड herself इन द ट्रबल विद her पेरेंट्स। ओके, तो ये हमारा रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, हॉट वाटर यानी कि ट्रबल में पड़ जाना, और इसका मतलब भी क्या है, उससे एक्सीडेंटली वास टूट गया अपने घर का, और वो कैसे आ गई, परेशानी में आ गई अपने पेरेंट्स से, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो आप ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ हम्बल। सो सिनोनिम, एंटोनिम हमने अच्छे से कराए हैं हमारे वो कैप सेशंस में, प्लीज़ जाइए उनको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और कमेंट तो आप करते ही हैं, तो लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। तो सिनोनिम है हमारा हम्बल, हम्बल होता है विनम्र, आप देखिए, कीन का मतलब होता है ईगर, उत्सुक, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, अम्यूजिंग मतलब हास्यपूर्ण, मजाकिया, तो मॉडेस्ट इसका क्लोज मीनिंग लग जाएगा, मॉडेस्ट लग जाएगा, हम्बल विनम्र, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, विनम्र, ये लग जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट सिनोनिम किसका बताना है, डेकेडेंस, तो डेकेडेंस भी पढ़ाया हुआ वर्ड है। डेकेडेंस क्या होता है, डिक्लाइन, गिरना, धीरे धीरे गिरना किसी चीज़ का, ठीक है, गिरना यानी माइनस में जाना, तो यहाँ पे देखिए किसका मतलब आ रहा है, डेक्लाइन, डेक्लाइन का मतलब होता है गिरना। लिबरेट का मतलब क्या होता है, डिस्पिरिटेड का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग का मतलब होता है, तो फ्लावरिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, डिस्पिरिटेड यानी मायूस, उदास, और लिबरेट का मतलब, तो ये क्लियर जा रहा है, डिक्लाइन का मतलब आप लगा सकते हैं, डिक्लाइन का मतलब साफ साफ पता है, नीचे जाना किसी चीज़ का। तो नेक्स्ट चलते हैं,
वॉट इज द एंटोनिम? सो एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, गिवन वर्ड का अपोजिट मीनिंग लगाना है. तो शार्प कैसा होता है? जिसकी एज जो होती है शार्प होती है, जैसे पेंसिल को शार्प कर लेते हैं हम, तो यानी अच्छी सी एक उसकी निब पड़ जाती है, तो ये होता है शार्प एज वाला. अब देखते हैं इसके ऑप्शंस. हैंडी कोई मतलब नहीं है, किंडल्ड काइंड मतलब नहीं है, मैग्नेटिक मैग्नेट से रिलेटेड है, ब्लंट होता है जिसकी रफ एज होती है, तो ये इसका क्या लग जाएगा हमारा एंटोनिम लग जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं 18th वर्ड पे. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिनोट? तो डिनोट होता है किसी चीज़ को शो करना, बताना. जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने डिनोट कर दिया ए बी सी, तो शो करा दिया ना ए बी सी. यहाँ पे शो कराना है. दूसरा होता है छुपाना. तो कंसील देख रहे हैं आप यहाँ पे, कंसील का मतलब है छुपाना. कन्वे का मतलब मैसेज कन्वे करना, कुछ भी चीज़ एक से दूसरी जगह जानी. कंक्लूड कंक्लूजन करना, और कन्विंस करना किसी को मनाना. तो कंसील इसका क्लोज मीनिंग लग रहा है, ये हमारा इसका मीनिंग लिख जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग्स आ गई. अब देखिए तो स्पेलिंग्स तो जिसको अच्छे से याद होगी या नॉलेज होगी तो वही एलिमिनेट कर सकता है. स्पेलिंग्स डिपेंड करती है किसको आती है किसको नहीं आती है. तो देखिए इसमें बोला है कंटेम्पलेटिंग. सो कंटेम्प्ट आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, तो मैंने तो पढ़ा है उसकी स्पेलिंग मुझे आती है CONTEMPT. तो कंटेम्प्ट के हिसाब से हम ये दो एलिमिनेट कर सकते हैं कि CON आता है, UN नहीं आता है. देन उसके बाद देखिएगा कंटेम्पलेटिंग है. अब प्लेटिंग की स्पेलिंग में PLA लगाकर मुझे तो ये सही लगेगी क्योंकि मुझे स्पेलिंग आती है कंटेम्पलेटिंग की. इसमें LA नहीं है, कंटेम्पल टिंग नहीं है, तो ये एरर हो जाएगा. तो इसका सही मीनिंग मतलब सही आंसर क्या लग जाएगा? कंटेम्पलेटिंग स्पेलिंग लग जाएगी. नेक्स्ट इसमें क्या बताना है? इसमें भी स्पेलिंग बतानी है. करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. ही मेड अ सरप्टिटियस फोन कॉल व्हाइल हिज बॉस वाज आउट ऑफ द रूम. सो सरप्टिटियस का बताना है कि स्पेलिंग क्या होगी. सो सरप्टिटियस में स्पेलिंग क्या होती है? पहले तो लास्ट से देखिए, टीटियस टीटस नहीं होगा, टीटियस टीटियस ठीक है, सेरप्टिटियस नहीं होगा, सरप्टिटियस होता है. यहाँ पे डबल आ रहेगा, तो ये हमारी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, सरप्टिटियस. और सरप्टिटियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ गुप्त तरीके से करी हुई. टू डन सीक्रेटली, कोई चीज़ गुप्त से करनी, सीक्रेटली कोई चीज़ करना, तो ये हो गया सरप्टिटियस का मीनिंग और सरप्टिटियस की स्पेलिंग SURPTITOTIOUS ठीक है. सो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी. तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस. नेक्स्ट चलते हैं 21. तो अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट. हमने क्लोज टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया है, पहले हम नहीं करने वाले थे, लेकिन हमने कमेंट्स देखे तो सब बोल रहे थे कि क्लोज टेस्ट भी आप इंक्लूड कीजिए. और 25 क्वेश्चन जैसे एक मॉक में होते हैं वैसे बताइए. तो अब देखिए, अब हम इसको रीड करेंगे. तो मॉक में इतना टाइम नहीं मिलता है कि अच्छे से रीड करें, बट लेकिन अब हम समझ रहे हैं कैसे करना है, तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे. द Amazon रेन फॉरेस्ट, Amazon रेन फॉरेस्ट की बात चल रही है. द Amazon रेन फॉरेस्ट इज एन इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया एंड यूकेडर, कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट forest on the earth. The Amazon jungle is dashed for its remarkable diversity, biodiversity, harboring an astonishing array of plant and animal species that are still being discovered and studied. The dense vegetation of the jungle creates a dash land complex ecosystem supporting countless species and providing crucial ecosystem. ठीक है, crucial ecosystem services such as carbon sequestration and climate regulation. It is also home to dashed communities that have thrived within its rich confines for centuries, preserving their traditions and deep connection to the land. So, ये है हमारे, हमने पढ़ लिया कि क्या क्या बताया हुआ है और क्या कहते हैं Amazon rainforest के बारे में सब कुछ चीज़ें बताई हुई हैं. तो पहला क्या कहता है हमारा फिलअप, यानी कि 21 फर्स्ट. तो Amazon रेन फॉरेस्ट इज एन इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज. तो यानी कि ये बात बताई जा रही है कि इन कंट्रीज में ये फैला हुआ है, मतलब इन कंट्रीज में ये अराउंड करता है, यानी इन कंट्रीज के अंदर ये आता है Amazon रेन फॉरेस्ट. तो देखते हैं ऑप्शन, रीचेज लेंथ अमाउंट्स या स्पेंस. तो रीचेज मतलब पहुंचना, अमाउंट्स बताता है अमाउंट, लेंथ लेंथ बताती है. स्पेंस का मतलब क्या होता है?
फैला हुआ, कि इस एरिया में ये चीज़ फैली हुई है. तो स्पेंस इसका परफेक्ट मीनिंग मतलब ऑप्शन हो जाएगा जो लग जाएगा कि वंडर दैट स्पेंस अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यानी अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इन कंट्रीज में फैला हुआ है, स्पेंस लग जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो हम एक एस्टिमेशन ही बता सकते हैं कि एक जो चीज़ है, जंगल है या फिर कोई रेन फॉरेस्ट है, वो कहाँ तक फैला हुआ है. तो ऑप्शंस देखते हैं, इवेल्यूएटेड यानी कैलकुलेट करना, रेटेड यानी रेट देना, एस्टिमेटेड इसका परफेक्ट मीनिंग है क्योंकि एस्टिमेटेड बताया जाएगा कि ये एरिया, ये जो फॉरेस्ट है ये इतने एरिया में फैला हुआ है. देखिए एरिया ये रहा, इतना एरिया तो एस्टिमेटेड एरिया है, तो ये इसका ऑप्शन लग जाएगा. नेक्स्ट, द रेन फॉर इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द अर्थ. ये लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है. द अमेजोन जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायो. तो ये अच्छा एक बार बताओ, ये कोई चीज़ अपनी रिमार्केबल बायो डाइवर्सिटी की वजह से क्या करी जाएगी, जानी जाएगी, पहचानी जाएगी. तो इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो जाना पहचाना जाएगा. सो ग्रेट रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है मेरा जो चीज़ अपनी प्रख्यात है, इस चीज़ की वजह से जानी जाती है, फेमस है, फेमस फॉर समथिंग. तो रिनाउंड का मतलब यहाँ पे लग जाएगा थर्ड ऑप्शन में. नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद देख लेते, द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ डैश लैंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम. यानी कि यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है, डैश लैंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सब चीज़ होती है हमारी. तो इकोसिस्टम में क्या क्या होता है हमारा, उसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन आ सकता है. तो वाइब्रेंट स्पिरिटेड विग्योर लाविश, लाविश होता है मतलब अमीर चीज़ें मतलब यूज़ करना. विब्रेंट होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ठीक है, जीवांत. तो विब्रेंट लग जाएगा यहाँ पे हमारा इसका भव्य मीनिंग. तो कुछ मतलब जो क्लोज टेस्ट है उसमें ऐसा होना चाहिए कि हमें इसके चारों के मीनिंग तो ना ही पता होते, कभी नहीं पता होते, कभी पता होते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें तीन या दो के मीनिंग तो पता होने ही चाहिए जिससे हम एलिमिनेट कर सकें. तो यहाँ लग जाएगा वाइब्रेंट. लास्ट चलते हैं हम इसका, लास्ट जो फिलअप है, इट इज़ ऑल्सो होम टू डैश कम्युनिटीज़. हम होम की बात बता दिए कि इतनी कम्युनिटीज़ के लिए होम है ये, यानी घर है, लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप. तो इनमें से किसका मतलब है, इंडिजीनस का मतलब होता है आदिवासी, नेटिव, जो पहले से कहीं एक जगह पर रहते हैं. तो ये इसका मीनिंग लग गया. जिसने हमारी वो कैब देखी होगी, इंडिजीनस का मीनिंग हमने करा रखा है, सो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इंडिजीनस का मीनिंग क्या होता है. So indigenous communities that have thrived within its rich confines for centuries से रहती आ रही हैं, preserving their tradition and deep connection to the land. और उनका एक connection बन चुका है उस land से, उस forest. ठीक है, तो ये हमारा जाकर यहाँ पर आज का session complete होता है. पहले close test complete कर लिया हमने. So आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपके पी वाई क्यूज में आपको हेल्प मिलेगी हमारी साइड से. सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.